Good morning, students. Once again, I hope you all are well at your place with your family. And अपना subject physical education, class 12, unit 11 is continuing. And unit 11 में है आज अपना topic motivation techniques in sports. इससे last video में हमने discuss किया था कि motivation क्या होता है, मोटिवेशंस के टाइप्स क्या हैं. ठीक है, अभी हम जानते हैं कि जो मोटिवेशन फैक्टर हैं किस तरह एक एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बेनिफिशियल हैं. तो क्या टेक्निक्स हैं स्पोर्ट्स में मोटिवेशन, या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें कि जो मोटिवेशन फैक्टर हैं, डेफिनेटली जो मोटिवेशन फैक्टर हैं एक प्लेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक टीम को एक विनिंग पाथ की ओर लेके जाते हैं जो मोटिवेशन फैक्टर हैं. सो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेट करते हैं एक एथलीट को, एक टीम को, एक स्पोर्ट्स पर्सन को, उन पे हम चर्चा करते हैं. तो सबसे पहला है गुड हेल्थ ऑफ एथलीट. एथलीट का मतलब यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन से है, इंडिविजुअल से है. सो अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन गुड स्टेट में है, गुड हेल्थ स्टेट में है, तो अपने आप बोलते हैं ना इनर मोटिवेशन रहेगा उसमें, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन रहेगा, वो फील एक अच्छा फील होगा उसको, एक जो सेल्फ स्टीम है वो क्रिएट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो अपने आप में एक मोटिवेट रहता है. जब आदमी एक फिटनेस बरकरार रखता है कि भाई मेरी फिटनेस पहले से बेटर है, बेहतर है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन को इंक्रीज करता है. तो जो पहला पॉइंट था बहुत सिंपल है, गुड हेल्थ ऑफ एथलीट. दूसरा है हेल्थी इन्वायरमेंट. देखिए इन्वायरमेंट को अभी तक आप समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, जहां हम काम करते हैं उसके जो सराउंडिंग होता है दैट इज इन्वायरमेंट. ओके, हमारा घर भी होता है तो घर के जो सराउंडिंग्स होता है दैट इज इन्वायरमेंट. अब जो इन्वायरमेंट है जहां पे स्पोर्ट्स हो रहा है, जहां पे गेम्स हो रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर उनका भी होता है कि भाई इन्वायरमेंट नीट है, क्लीन है, हाइजीनिकली वेल है, ठीक है, साफ सुथरा है, सेफ्टी रिलेटेड ठीक है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है, अवे फ्रॉम क्राउड है, ठीक है, फैसिलिटीज़ भी हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर मोटिवेटिंग, अट्रैक्ट करती हैं स्पोर्ट्स पर्सन को. सो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है. तो अगर हेल्थी इन्वायरमेंट एवरीवेयर, अगर जहाँ पे काम भी करते हैं तो अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट हेल्थी है तो डेफिनेटली जो वर्कर्स हैं उनका मोटिवेशन हाई रहता है, एक दूसरे से बात भी करते हैं कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है. सो इन्वायरमेंट इज एवरीवेयर, प्लेज इट्स ऑन रोल. ठीक है, नेक्स्ट है गुड क्वालिटी अपराटस एंड गुड प्ले फील्ड. ये भी क्वाइट क्लोज टू द इन्वायरमेंट ओनली, गुड क्वालिटी अपराटस. अपराटस का मतलब होता है कि जो इक्विपमेंट है, अपराटस का मतलब होता है जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं. भाई हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज किया जाता है, इवन स्मॉल जैसे वॉलीबॉल भी है उसमें नेट और बॉल है तो इक्विपमेंट में आते हैं. हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई इक्विपमेंट होता है. आप स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वहाँ उसके अलग इक्विपमेंट होते हैं. कोई फुटबॉल खेल रहा है तो उसमें भी जो शूज हैं, पूरा जो किट है, बॉल है, ये सब इक्विपमेंट में आते हैं. तो अगर अपराटस या इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के हैं डेफिनेटली वो भी अट्रैक्ट करते हैं एक प्लेयर को, वो भी प्लेयर को मोटिवेशन देते हैं. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम किसी जिम में जाते हैं फिटनेस के लिए और उस जिम में अगर रियली सब कुछ ठीक ठाक है, सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, लास्ट वीडियो में मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि सारे अपराटस हैं, पूरी बॉडी से रिलेटेड है, सब कुछ है और साफ सुथरे हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे. साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है कि गुड क्वालिटी अपराटस के साथ गुड प्ले फील्ड. भाई प्ले फील्ड भी वैसे तो इन्वायरमेंट में आ गए कि जहाँ पे खेल रहे हैं जो प्ले फील्ड है वो भी साफ़ सुथरा है, जो उसका एक स्टैंडर्ड है वो है, ऐसा तो नहीं कि उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं, गड्ढे हैं प्ले फील्ड में, या पानी भरा हुआ है, या गंदगी है, तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो अगर प्ले फील्ड अच्छा है, साफ़ सुथरा है, जिसको हम गुड कहते हैं, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट करेगा एक प्लेयर को, एक एथलीट को. सो ये भी बनता है. नेक्स्ट है सफिशियंट प्रैक्टिस. सफिशियंट प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस हम सभी जानते हैं क्या होती है. अगर कोई एथलीट या प्लेयर सफिशियंट प्रैक्टिस करता है किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए तो उसको एक इनर, फिर वही
इनर जो मोटिवेशन वाली बात है, इंटरनल मोटिवेशन उसका बढ़ता है, उसमें एक अंदर ये रहेगा कि नहीं, मैं तो पिछले 6 महीने से 8 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने बाकी प्लेयर से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि डेफिनेटली मैं अपना गुड रिजल्ट निकाल लूँगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस भी, अगर स्टूडेंट्स की भी हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट्स पूरे साल अच्छे से पढ़ता है तो उसको एक भरोसा रहता है कि नहीं, मैंने पूरे साल मेहनत की है, एंड डेफिनेटली आई गेट गुड मार्क्स बिकॉज आई डन द हार्ड वर्क होल डे होल ईयर। तो सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली ए इम्पोर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर टू द इन दिस रिगार्ड्स। ठीक है, अगला है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इसको हमने वी हैव आल्सो सीन इन द लास्ट वीडियो, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखिए, रिवार्ड का मतलब यही होता है कि भाई कहीं ना कहीं एथलीट के माइंड में अगर ये चीज़ होगी कि इफ़ आई विन दिस कंपटीशन तो आई गेट दिस मच ऑफ कैश अवार्ड। कैश अवार्ड आजकल दिए भी जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कैश अवार्ड दिए जाते हैं प्लेयर्स को। सो दैट डेफिनेटली वो एक बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं लालच रहता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज सबकी अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। सो रिवार्ड अगर जितना अच्छा है तो डेफिनेटली इट्स मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द एथलीट्स। ठीक है, सो आजकल हर लेवल पर रिवार्ड दिए जाते हैं, स्कूल में भी आपको इंकरेज करने के लिए रिवार्ड दिए जाते हैं कि भाई यू विल गेट फर्स्ट पोजिशन, योर फीस विल बी डिडक्टेड 25% फीस विल बी डिडक्टेड, या यू विल गेट दिस थिंग दैट थिंग। सो देर आर यू नो रिवार्ड्स आर वेरी वेरी यू नो इम्पोर्टेंट एंड प्लेस वेरी गुड रोल एवरीवेयर इन द लाइफ। इवन इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वी फाइंड रिवार्ड, इवन वेयर समवेयर वी आर वर्किंग ऑल्सो, वहाँ पर भी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बोलते हैं कि भाई जो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा सो ही विल गेट सम रिवार्ड। कई कई जगह पे तो जहाँ हमने भी काम किया है वहाँ पे मंथली निकालते हैं कि भाई टॉप ऑफ द मंथ, मतलब इस मंथ में ये एम्प्लॉय टॉप पे रहा, अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा, सो वो उसको डिस्प्ले बोर्ड पे उसको डिस्प्ले भी करते हैं। सो ये सब रिवार्ड से रिलेटेड है। पनिशमेंट का भी यहाँ पे रोल है, पनिशमेंट इन सेंस अगर आप स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में देखिए पनिशमेंट एक तरह का यही पनिशमेंट है कि भाई आई वॉन्ट टू बेटर, आई विल बी एक्सिल्ड फ्रॉम द टीम, मैं टीम से निकाल दिया जाऊँगा एंड देन इट विल बी लाइक यू नो क्वाइट बिग लॉस फॉर मी, ओके, या मैं हार जाऊँगा तो आई विल बी मिस दिस थिंग। आजकल कई सारे रिक्रूटमेंट भी के लिए भी कि भाई अगर कोई नेशनल लेवल पे खेलता है तो कई सारे सेक्टर हैं, सिविल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे वो अपना उस सर्टिफिकेट्स को दिखा के उनके लिए रिजर्व्ड है, स्पोर्ट्स कोटा भी रिजर्व्ड है। सो ये भी आता है कि भाई मैं अगर इस लेवल पे या नेशनल लेवल पे अगर इसमें हार गया तो मैं शायद इस फला जॉब से मतलब वंचित रह जाऊंगा। सो दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, पनिशमेंट इज ऑल्सो यू नो ए मोटिवेटिंग फैक्टर एक्टिव, और ये हर लेवल पे होता है, स्पोर्ट्स में नहीं, हम घर पे भी देखते हैं, स्कूल्स में भी देखते हैं कि घर पे भी, मैंने लास्ट वीडियो में वी टॉक इनफ अबाउट द पनिशमेंट्स की हमारे पेरेंट्स वो हमें भी समटाइम्स दे गिव द वार्निंग इफ यू डू रॉन्ग नेक्स्ट टाइम यू विल गेट दिस समथिंग लाइक दैट। सो पनिशमेंट्स आर एवरीवेयर इन ऑल द एरियाज, सो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर में आता है। नेक्स्ट है कोचिंग गाइडेंस। देखिए जितने अच्छे कोच होंगे, जितना अच्छा वो गाइड करेंगे, रिजल्ट अच्छा निकलेगा, एथलीट की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, है ना। आप कई बार अगर हम अपना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो कई बार जैसे हमारे देश में जो अपना क्रिकेट गेम है इट्स क्वाइट पॉपुलर, सो वहाँ पे कोई अच्छा कोच होता है तो टीम अच्छा रिजल्ट देती है। तो कोच का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, साथ ही साथ जैसे आप स्कूल में हैं तो टीचर्स कई बहुत ही एक्सीलेंट टीचर होते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक अपने रिजल्ट को एक्सीलेंट वे में निकाल ले जाते हैं। सो कोचिंग इज ऑल्सो ए वेरी गुड मोटिवेटिंग फैक्टर टू द एथलीट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो दर्शकगण, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकगण, तो देखने वाले लोग, हिंदी में ठीक लिख रहा हूँ, दर्शकगण ये होता है स्पेक्टेटर्स, है ना।
जो मैच को देखते हैं हर लेवल पे, स्पेक्टेटर्स देखने वाले दर्शकगण जो होते हैं, दर्शकगण का भी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। कई बार शेयरिंग करते हैं, एक तरह का मोटिवेशन देते हैं प्लेयर्स को, क्लैपिंग करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं, तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर, इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर क्रिएट होता है प्लेयर में, और वो और उतना जोश या जान लगा देता है वहाँ पे। अगर कोई रनर है, वो एक ट्रैक में रनिंग कर रहा है, वो स्लाइटली थोड़ा पीछे हो गया और उसकी सपोर्ट में अगर 40 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चेयरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बोलते हैं ना, एक न्यू एनर्जी क्रिएट हो जाती है, वो जो ताकत होती है बॉडी में वो लगा देता है। तो स्पेक्टेटर्स का बहुत बड़ा रोल है। दैट इज द रीजन कि स्पेक्टेटर्स होते हैं। कई बार देखा होगा कि भाई कोई टीम है, वो अपने होम ग्राउंड पे ज़्यादा मैच जीतती है कंपेयरिंग टू द लाइक नॉन होम ग्राउंड, जो बाहर अब्रॉड जाती हैं। तो देखा होगा अपना जो क्रिकेट का भी रिकॉर्ड है, शायद होम ग्राउंड में जीतने का ज़्यादा है। सो इट्स बिकॉज ऑफ द, और भी फैक्टर है, बट स्पेक्टेटर्स का वो भी होता है ना, तो फर्क पड़ता है। तो यहाँ समझ लें, स्पेक्टेटर्स का मतलब है दर्शक, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी, मीन्स सेफ्टी, अपराटस ठीक है, इक्विपमेंट ठीक है, प्ले फील्ड ठीक है, कोच अच्छा है, और एक सेफ्टी की अगर गारंटी प्लेयर्स के माइंड में बन जाती है कि नहीं भाई बाई सेफ्टी साइड आई एम ओके, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत से गेम में काफ़ी रिस्क होती है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एवरीवेयर सेफ्टी इश्यूज तो रहते हैं, इंजरीज भी हो जाते हैं, जिमनास्टिक हो, डाइविंग हो। सो अगर उधर अगर प्लेयर के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि नहीं फ्रॉम द सेफ्टी साइड आई एम ओके, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, सेफ्टी इज 100% हेयर, कोई चांस ही नहीं है इंजरी का, चोट लगने का कोई चांस नहीं है, तो फिर जब ऐसा उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है, ऐसा वो देख लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है उनके लिए कि भाई नहीं, कम से कम मुझे चोट तो लगने वाली नहीं है ना, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ। तो अगर हमारे माइंड में कई बार रहता है कि नहीं, मैं यहाँ से अगर जंप लगाया तो शायद इस गड्ढे में गिर जाऊँ, या पास में जो स्टोन पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, मैं इस पर हिट हो सकता हूँ है ना, या साइड में जो ऑब्स्ट्रक्शन एरिया है शायद मैं इसमें इंजर्ड हो जाऊँ। अगर हमारे सामने कई सारे सेफ्टी इश्यूज अगर खड़े हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती, उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, दे नहीं पाते, क्योंकि हम सेफ्टी साइड को भी देख रहे हैं। अगर सेफ्टी साइड पूरी है, पूरी सेफ्टी है, तो फिर हमारी माइंड में ये चीज़ें नहीं रहती कि यार हम पूरी तरह मोटिवेट हो जाते हैं कि यस ओके। सो सेफ्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। फाइनली है टीम वर्क। देखिए टीम वर्क का मतलब होता है कि जो टीम है, मैंने बताया ना कि कुछ इंडिविजुअल गेम होते हैं, सोलो परफॉर्मेंस जिसमें दी जाती है अकेले, जैसे बॉक्सिंग है इंडिविजुअल गेम है, सोलो होता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिन जिनमें टीम, पूरी टीम खेलती है, जैसे कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, ये सब टीम गेम में खेले जाते हैं। सो अगर टीम में जब गेम खेले जाते हैं, तो उनमें एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, और जो खेल की भावना, बेसिकली टीम वर्क जिसको बोलते हैं कि सब लोग मिलजुल कर काम करें, उसी को टीम वर्क बोलते हैं या टीम स्पिरिट कहते हैं। भाई सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पासस दें, है ना। और मोटो ये रहना चाहिए कि भाई इंडिविजुअल मोटो नहीं रहना चाहिए वहाँ पे कि नहीं अपने लिए नहीं खेलना है, टीम या अपने रीजन या अपने कंट्री के लिए खेलना है भाई। आपने कई बार सुना भी होगा किसी इश्यूज में कि किस कोई अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहा है, इज लेस बोदर्ड कि टीम को बेसिकली जीतने के लिए कई बार प्लेयर नहीं खेलता, वो अपनी सेंचुरी के चक्कर में लग जाता है, तो तब ऐसा करता है तो वो उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपनी सेंचुरी बनानी है, उसके माइंड में ये नहीं रहता कि टीम को कितनी बॉल पे कितने रन की जरूरत है जीतने के लिए। सो टीम स्पिरिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब मिलजुल कर साथ चले, मोटो एक होना चाहिए सबका कि टीम को जीतना है, टीम को जिताना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं टीम वर्क। तो जब सब में कॉपरेशन होगा, सब में ब्रदरहुड होगा, सब में एक दूसरे को पासस देंगे, तो डेफिनेटली टीम स्पिरिट होगी, और जब टीम स्पिरिट होगी तो मोटिवेट करेगी प्लेयर्स को, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट थे, और भी आप देख सकते हैं, यू कैन राइट योर ओन, इवन आई कैन टेल यू मेनी मोर पॉइंट्स, बट आई थिंक दैट्स ऑल, इतना बहुत रहेगा। अगर एग्जाम में इसमें से आप 7 से 8 पॉइंट भी लिख देंगे कि
व्हाट आर द मोटिवेशन टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स, बहुत सिंपल है जो वैसे ही माइंड में आ जाती है कि मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको मोटिवेट देती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अपराटस है, इक्विपमेंट है, प्ले फील्ड है, इन्वायरमेंट है, टीम स्पिरिट है, सेफ्टी है, एथलीट की पर्सनल हेल्थ है, रिवार्ड है, पनिशमेंट है, तो कितने सारे फैक्टर वी कैन कीप राइटिंग। सो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं मोटिवेट करते हैं, एथलीट्स को मोटिवेट करते हैं, दैट्स ऑल इन दिस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज अधेरेंस। वर्ड अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब होता है अनुपालन, क्या कह सकते हैं हम अनुपालन अधेरेंस, एक्सरसाइज अधेरेंस। सो बेसिकली हम एक्सरसाइज का अनुपालन क्यों करें, एक्सरसाइज हम क्यों करें, या इसको और कुछ शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि हम लॉन्ग टाइम के लिए एक्सरसाइज क्यों करें, या हम एक्सरसाइज को रेगुलर क्यों रखें, है ना, इसी का मतलब होता है एक्सरसाइज अधेरेंस। इट्स लाइक अ कमिटमेंट टू अ पर्सन कि भाई व्हाई आई शुड डू एक्सरसाइज कंटिन्यू इन माय लाइफ, मैं अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू क्यों रखूँ, दैट इज ओनली द एक्सरसाइज अधेरेंस। इसी को क्लियर करना, ऑल्सो नोट डाउन दिस डेफिनेशन रिगार्डिंग द एक्सरसाइज अधेरेंस। You can also say कि maintaining an exercise regimen for a prolonged period of time। मैंने बताया ना कि भाई why we should do exercise regularly या एक लंबे समय तक क्यों करें। You can also note down कि हम और भी ऐसे कह सकते हैं कि maintaining an exercise program for a extended period of time। So please you can write the definition in your words। Generally आ जाता है question कि what is the meaning of the exercise adherence। ओके चलो ये था, अब हम बात करेंगे क्यों करते हैं, इसके रीजन को जानेंगे कि भाई व्हाई वी शुड गो फॉर द एक्सरसाइज अधेरेंस, दैट मींस रीजन टू एक्सरसाइज। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाई एक्सरसाइज के फिजिकली जो बेनिफिट्स हैं क्या हैं, बहुत हैं, वो हमने पढ़ा है कि भाई कार्डियो के लिए अच्छा होता है, मसल्स के लिए अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम्स के लिए अच्छा होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर एवरीथिंग लाइक। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एक्सरसाइज अवेयरनेस में साइकोलॉजिकली, बिकॉज मोटिवेशन जो पार्ट है वो साइकोलॉजी का पार्ट है, तो साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं एक्सरसाइज के, दैट इज ओनली कम्स इन द एक्सरसाइज अवेयरनेस कि वाई वी शुड डू द एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक्सरसाइज जो रेजिमन है उसको एक लंबे समय तक हम क्यों करें, वही हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। या हम कह सकते हैं कि रीजन टू एक्सरसाइज बट साइकोलॉजिकली, फिजिकली बेनिफिट्स हमने देख लिए, बातें कर ली, जान लिया, है ना, बट यहाँ पे साइकोलॉजिकली का पार्ट है मोटिवेशन। सो यहाँ पे एक्सरसाइज अवेयरनेस में आपको जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हैप्पी मूड, भाई बिल्कुल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मूड हैप्पी होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे घर में भी पूछते रहते हैं पेरेंट्स से कि पापा कैन आई गो फॉर द प्लेइंग, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पहले से रहता है, उनको मूड को अच्छा लगता है तभी तो वो मतलब क्रेजी रहते हैं जस्ट टू गो आउट फॉर द प्ले, है ना। तो मूड को हैप्पी करता है, हम भी खेल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं कुछ भी, आपने देखा होगा विलेज लेवल पे भी लोग खेलते हैं, वो शूटिंग वॉलीबॉल खेलते हैं, एंड मतलब एक उनमें रहता है खेलने वाला, 4 बजे का टाइम है तो 3:30 इवनिंग में जाके बैठ जाता है, बिकॉज लाइक उनको एक बेनिफिट मिलता है कि हैप्पी मूड में सहायक है। दूसरा रिड्यूस स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस लाइफ में आजकल भर भर के है, टनों के हिसाब से, पहले भी हमने बात की थी कि इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट देते हैं कि भाई मैं स्ट्रेस बहुत स्ट्रेस है मेरे ऊपर जिससे मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, डिप्रेशन में आने से मेरे को बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, भूख नहीं लगती है, आई कैन नॉट स्लीप, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम से 10 प्रॉब्लम और रिलेटेड हैं, है ना। सो स्ट्रेस एवरीवेयर, सब लोग स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं जबकि एक्चुअल मेडिसिन उन्हीं के पास है कि भाई थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई गेम खेलें अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वो चीज़ तो करते नहीं है, फॉर देम दे फाइंड वेरी इजी टू गो टू द डॉक्टर गिविंग
paying big fees, and then whatever the doctor is telling, that becomes the golden word for them. Then definitely they will obey that. But I won't recommend this. Better to play some games, go for some physical activity. ठीक है ना? So ये जो exercise appearance है, ये हमें हमारा basically stress को काफी reduce करता है. जब हम खेलते हैं तो we forget all worries कि क्या कुछ था, वो सब भूल जाते हैं. हम completely focus करते हैं games पे, है ना? तो कम से कम for few hours, 1 or 2 hours जितने देर हम physical activity करते हैं, so at least we are free from all the worries, stress free हो जाते हैं. ठीक है. Next है improve self esteem. Self esteem का मतलब होता है आत्मविश्वास. मैंने कई बार बता दिया हिंदी में, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा ये वर्ड आत्मविश्वास. भाई जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्फ स्टीम हमें क्रिएट होता है, बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है. हम जब जिम से निकल के आते हैं तो हम ऐसे चलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ किया है, मेरी मसल्स पावरफुल बन गई हैं, और हमारा जो चलने का तरीका है वो कॉन्फिडेंटली हम वॉक करते हैं. कहीं पे भी हम जाते हैं तो कॉन्फिडेंटली वॉक करते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ क्राउड, आई एम एक्सेप्शन फ्रॉम द क्राउड. मैं भीड़ से अलग हूँ. और दिखता भी है बंदा, एक स्पोर्ट्स पर्सन दिखता भी है कि वो 40 लोगों में खड़ा है, तो स्पोर्ट्स पर्सन कैन क्लियरली आइडेंटिफाइड कि यस, ही इज स्पोर्ट्स पर्सन, ही इज अ रेसलर, ही इज अ बॉक्सर, ही इज अ एथलीट, ही इज अ स्विमर, है ना? सो एक सेल्फ स्टीम इसमें डेफिनेटली क्रिएट होता है एक एथलीट में. तो वो भी हमें बताता है कि यस, वी शुड डू द एक्सरसाइज फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, दैट इज एक्सरसाइज अडेरेंस. नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि. सेटिस्फैक्शन का मतलब है संतुष्टि. हिंदी में ऐसे लिखेंगे संतुष्टि. भाई संतुष्टि ऐसे लिखेंगे शायद, संतुष्टि आप देख लेना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है. संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें एक्सरसाइज से, बिल्कुल मिलता है, निसंदेह ऑफ कोर्स मिलता है. तो डेफिनेटली वी शुड कीप कंटिन्यू प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए टाइम इसको रखेंगे. जब हमें संतुष्टि मिलती है तो हमें रखना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलता है. भाई कोई भी काम हम सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, है ना? तो वी शुड गो फॉर दिस. नेक्स्ट है इम्प्रूव बॉडी इमेज. इम्प्रूव बॉडी इमेज, है ना? इमेज, बॉडी इमेज का बहुत बड़ा रोल है. हमारा जो ओवरऑल अपीयरेंस है, बॉडी इमेज है, ये इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज. मैंने बताया ना कि हमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, सेल्फ स्टीम हमें क्रिएट होती है. वो क्यों क्रिएट होता है कि हमारा एक इमेज बन, इमेज अच्छा क्रिएट होता है. हमारे शोल्डर, हमारी चेस्ट, हमारी आर्म्स, हमारी लेग्स में एक एनर्जी बनती है, एक लुक बनता है. ओवरऑल इमेज बेसिकली हमारी अच्छी इमेज बनती है. सो दैट वी शुड, दैट मीन्स वी शुड कीप कंटिन्यू द एक्सरसाइज. That comes in the exercise awareness. ये सब psychological benefit में बता रहा हूँ, physical benefit की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ. Physical benefit की तो we have talked enough. 20 to 30 physical benefits हैं. लेकिन I am talking about the psychological part. Because exercise awareness comes into the psychology, motivation comes into the psychology. हम पढ़ी psychology and sports में हैं. So dear students, एक body image यहाँ पे हमारा पड़ता है definitely. Next है high energy. हाई एनर्जी, बिल्कुल एक्सरसाइज से हमें एनर्जी मिलती है. देखिए सब चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे से. आप बोलोगे सर आपको क्या हो गया, आप तो गिनाते जा रहे हो, गिनाते जा रहे हो. बिल्कुल भाई होता है. आपको किसी को अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उसको बीपी अपने आप बन जाएगा, बीपी बन जाएगा, हाइपरटेंशन बन जाएगा, इंसोमनिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको नींद आना बंद हो जाएगा, इतनी तमाम तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो खराब हो जाएगी. जब इतनी सारी खराब हो जाएगी तो उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो खराब हो जाएगा, अपने आप को डल फील करेंगे, कॉन्फिडेंस उनका गिर जाएगा. तो एक ही प्रॉब्लम से कितनी हो गई वहाँ पे, ठीक इसी यहाँ पे भी जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक अच्छाई से 10 अच्छाइयाँ आप में क्रिएट होंगी. होती हैं, होती हैं डियर स्टूडेंट्स, होती हैं. गारंट मैं लिख के दे देता हूँ. लेकिन आप कब जगोगे ये आपके ऊपर है. हमारा इंडिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड जग रहा है, आप भी जगें, जाने अपनी आइडेंटिटी को जाने. बहुत सी लोग दुकान खोल के बैठे हैं मार्केट में. कोरोना चल रहा है तो कोरोना की तमाम तरह की दवाइयां मार्केट में आ रही हैं, बट द बेस्ट मेडिसिन इज विद इन यू, आपके अंदर है. आप एक्सरसाइज करें, 80% प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएंगी, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सारी की सारी. ठीक है,
सो दैट इज विद इन यू, आपके अंदर है, प्लीज रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, आइडेंटिटी योर सेल्फ, अपने इनर फोर्स को पहचानो, रिकॉग्नाइज करें। मैं यही तो बोल रहा हूँ, हाई एनर्जी आएगी आप में, आनी है हाई एनर्जी। तो जब हमें हाई एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी हमें डॉक्टर से नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दैट थिंग, वी मस्ट, कोई बात ही नहीं बनती कि उसको हम रोकें। ठीक है, ये हो गया हाई एनर्जी। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। भाई पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल है। हमने हथियार डाल दिए, नेगेटिव हो गए, मैं तो इस बार, मेरा तो 70% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे ही नहीं, 4 महीने स्कूल में नहीं गया, कोरोना चल रहा था, अब क्या होगा, नथिंग विल हैपन। आई कैन गिव यू गारंटी कि इस बार यू विल गेट मोर मार्क्स। अगर आप, अगर स्कूल चल रही होती रेगुलर, अगर आपको लग रहा था कि आप 85% मार्क्स ला रहे होते, आई कैन गिव यू गारंटी दिस टाइम यू विल गेट मोर देन 94-95% मार्क्स। इट्स माई गारंटी। ओनली थिंग, जस्ट टू डिटरमाइंड, क्रिएट ए सेल्फ स्टीम, क्रिएट ए कॉन्फिडेंस, और डू द फिजिकल एक्टिविटी ऑनेस्टली एंड टेक आउट योर स्वेट, पसीना निकालें, और यस, लोगों की बातों में ना आए, बहुत है टांग खींचने वाले। प्लीज डू नॉट पुल द लेग्स ऑफ अदर्स, और आप अपनी टांगे भी किसी को, दूसरे को ना दें। तो कुल मिला के बात यह है कि एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। लोग टांग खींचते हैं, खींचना ही है कि नहीं नहीं नहीं, यू कांट डू, हो ही नहीं सकता आपसे, आपसे कैसे हो सकता है, आपकी तो एज 45 होगी, आप कैसे जिम कर सकते हैं, हाउ यू कैन रन, यू कैन नॉट रन मोर देन 2 or 3 kilometers, आप कैसे पुलअप्स करेंगे, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर एट दिस एज, यू आर नॉट सपोज टू डू द लॉट ऑफ ब्ला ब्ला दे विल से, डोंट लिसन ऑल दोज एक्सक्यूजेस, लिसन फ्रॉम योर टू योर सोल, लिसन फ्रॉम योर हार्ट, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे लाइफ में, यू विल कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहेंगे। एक्सेप्ट गॉड, नो वन ऑन दिस अर्थ हु कैन डिफीट यू इफ यू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स माई गारंटी, आई कैन गिव यू इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, सो एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज अवेयरनेस की। सो ये रीजन बनता है, साइकोलॉजिकल ये रीजन है कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, डेफिनेटली हमें करनी चाहिए, और करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबलाइज इमोशंस। इमोशंस में कई बार हमने बात कर ली, ये सब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी का पार्ट है, इमोशंस, मोटिवेशंस, ठीक है, सेल्फ स्टीम। अब इमोशंस क्या है, हम छोटी छोटी बातों पे इमोशनली हो जाते हैं, एंड घंटों, डेज, मंथ्स वी आर कीप थिंकिंग ओवर दैट इश्यू, काम में मन नहीं लगाते हैं, गिव अप हो गया, नहीं बस अब मुझसे नहीं होगा, नॉट टॉकिंग टू, लाइक नॉट ईटिंग वेल, नॉट स्लीपिंग वेल, नॉट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, बोलते ना बुझे बुझे से रहना, सैड हो रहे हैं, है ना, इमोशनली अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्टेबलाइज करता है इमोशंस को, कंट्रोल करता है इमोशंस को। एक्सरसाइज डेफिनेटली, हमारे जो इमोशंस हैं ये, इन्हीं को तो हम सीखते हैं गेम्स में, कि भाई गेम हार गए नो प्रॉब्लम, हार गए तो कोई नहीं, नेक्स्ट सेट में हम जीतेंगे, ओके, या नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम जीतेंगे, भाई इस बार आपने गोल कर दिया तो अगली मेरी बारी है। वही सिखाता है हमें गेम, एक्सरसाइज हमें वही सिखाती है कि इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करें। सो ये भी बताता है कि रीजन टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अवेयरनेस, यस वी हैव टू कीप गोइंग। नेक्स्ट है ओवरकमिंग डिप्रेशन। भाई ये सब देखो, डिप्रेशन, इमोशंस बड़े खतरनाक वर्ड है, आई एम टेलिंग यू, लगते बहुत स्मॉल हैं और आपको तो बिल्कुल छोटे लग रहे होंगे कि ये डिप्रेशन, इमोशंस क्या है, इमेज, एटीट्यूड, स्ट्रेस, ये क्या है? सर क्या बात कर रहे हैं सर, रोज रोज इमोशंस, स्ट्रेस, एटीट्यूड में घुमाते रहते हैं। नहीं, छोटे वर्ड हैं, बस इनके जो इम्पैक्ट है, इनके जो रिजल्ट्स हैं, बहुत मेजर हैं, आई एम टेलिंग यू। सो डिप्रेशन इतने मेजर हैं कि मुझे पक्का, बोलते ना कंफर्म डाटा तो नहीं मालूम, पर अपने देश में शायद 15% जरूर लोग होंगे जो डिप्रेशन के शिकार होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक,
और बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन कई कई भी तो लोग अपना बोलते हैं ना लाइफ दांव पे लगा देते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन. मुझे ऐसे एग्जांपल नहीं देने चाहिए आपको जो नेगेटिव एग्जांपल है. सो डिप्रेशन अपने आप में भी बहुत ही खतरनाक डिजीज है जो दिखती नहीं है. दैट कैन नॉट बी लाइक नॉट मेजरेबल, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना. इट्स नॉट लाइक ब्लड प्रेशर की भाई ठीक है 120/80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर और ये 140/90 है तो प्रॉब्लम में है. बट डिप्रेशन को इट्स नॉट मेजरेबल, हम इसको मतलब नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, बट ये है बहुत खतरनाक. तो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम डिप्रेशन पे ओवरकमिंग आते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं. और जब डिप्रेशन कम हो रहा है डेफिनेटली वी शुड, हमें खेलना चाहिए, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. नेक्स्ट, इम्प्रूव सोशल रिलेशन, सामाजिक जो रिश्ते हैं हमारे वो भी इम्प्रूव करती हैं एक्सरसाइज, करती हैं नहीं भाई. फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो हमें टीम स्पिरिट क्रिएट होता है, ब्रदरहुड क्रिएट होता है, कॉपरेशन क्रिएट होता है. तो ये जो भी ये सारी क्वालिटीज किसमें आती है, सोशल रिलेशन को एक्सटेंड करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, बॉन्ड देती है ना भाई. ये लीडरशिप क्वालिटी आती है, लीडरशिप क्वालिटी हमें सोशल रिलेशन में काम आती है. सो बेसिकली सोशल रिलेशन इंप्रूव होते हैं. अगर सोशल रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं तो वी मस्ट डू द एक्सरसाइज फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. यही तो है एक्सरसाइज अवेयरनेस. सो इतने सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, एंड वी कैन टेक मेनी मोर. इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम प्लीज राइट डाउन नीट एंड क्लीन कंप्लीट लिखना है. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज अवेयरनेस. दैट मींस इट मींस अ डूइंग एक्सरसाइज फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. एक्सरसाइज अवेयरनेस मींस कीप ए एक्सरसाइज दिस थिंग प्रोग्राम फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड या फॉर ए एक्सटेंडेड टाइम, है ना. तो इसके जो क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या रीजंस हैं, तो इतने सारे रीजंस हैं एक्सरसाइज अवेयरनेस के. साइकोलॉजिकल रीजन लिखने हैं आपको, फिजिकली नहीं लिखने हैं, साइकोलॉजिकल. ये कि मूड को ठीक करता है, स्ट्रेस को खत्म करता है, हमें सेटिस्फेक्शन देता है, सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, एनर्जी देता है, हमारा एटीट्यूड को पॉजिटिव रखता है, इमोशंस को कंट्रोल में रखता है एक्सरसाइज, हमारे डिप्रेशन को कम करते हैं, सोशल रिलेशन हमें इंक्रीज करते हैं. तो इतने सारे बेनिफिट्स हो गए साइकोलॉजिकली. आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर टू यू. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.